सवितोरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वीडियो नंबर 33 ऑन द श्री रामना महर्षि से बातचीत। दिस वीडियो स्टार्ट्स विद बातचीत संख्या नंबर 402। मस्तिष्क तथा हृदय की चर्चा करते समय श्री भगवान ने एक प्राचीन घटना को निम्न रूप में बताया। एक बार काव्यकंठ गणपति मुनि ने यह तर्क दिया कि मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है तथा श्री भगवान ने प्रतिपादन किया कि हृदय उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरे लोग भी इस वार्तालाप को सावधानी से सुन रहे थे। कुछ दिनों के बाद श्री भगवान को एक बालक एन एस अरुणाचलम से जिसने अभी 10वीं कक्षा भी पास नहीं की थी, एक पत्र मिला जिसमें अंग्रेजी में लिखी एक छोटी कविता थी जो उसने उस वार्तालाप पर लिखी थी। काव्यात्मक कल्पना की दृष्टि से कविता असाधारण है। श्री भगवान काव्यकंठ तथा अन्य उपस्थित सज्जनों को क्रमशः हृदय मस्तिष्क तथा देह बताया गया है और फिर सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के रूप में भी वर्णन किया गया है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर प्रतिबिंबित होता है और पृथ्वी प्रदीप्त होती है। इसी प्रकार हृदय से प्राप्त चेतना से मस्तिष्क कार्य करता है तथा इस प्रकार देह की रक्षा होती है। श्री भगवान का यह उपदेश रमण गीता में भी मिलता है। हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है जिसमें जीवन शक्ति एवं प्रकाश मस्तिष्क को विकिरण प्रदीप्त कर उसे कार्य अक्षमता प्रदान करते हैं। हृदय में वासनाएं अत्यंत सूक्ष्म रूप से बंद रहती हैं, वे बाद में मस्तिष्क में प्रवाहित होती हैं जो इन्हें प्रत्येक स्थिति में चलचित्र सिनेमा शो के समान अत्यंत विशाल रूप में प्रतिबिंबित करता है। अर्थात इस प्रकार जगत को सिनेमा शो से कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता। श्री भगवान ने आगे कहा, यदि वासनाएं हृदय के स्थान पर मस्तिष्क में होती तो सिर काटने से वे निश्चय ही विलुप्त हो जाती और पुनर्जन्मों का अंत हो जाता, परंतु ऐसा नहीं है। आत्मा स्पष्टतया वासनाओं की अत्यंत निकटता से अर्थात अपने अंदर हृदय में उसी प्रकाश रक्षा करता है जिस प्रकार एक कृपण अपनी अत्यंत मूल्यवान संपत्ति खजाने को अपने पास रखता है एवं कभी भी अपने से अलग नहीं होने देता। अतः वासनाओं का स्थान आत्मा अथवा हृदय है, मस्तिष्क नहीं। वह केवल वासनाओं के खेल के लिए रंग भूमि है जो हृदय के हरे भरे कक्ष से वहां पहुंचती है। 17 अप्रैल 1937। बातचीत संख्या नंबर 403। मॉडर्न साइकोलॉजिकल रिव्यू के उद्धरण के प्रसंग में यह आश्चर्य प्रकट किया गया कि क्या हृदय केंद्र के पता लगाने के लिए कोई यंत्र उपयोगी हो सकता है और क्या वास्तविक ज्ञाता उपलब्ध हो सकते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग के सिद्धों के अनुभवों इत्यादि को अंकित कर सकें। अन्य व्यक्ति बोल रहे थे। श्री भगवान ने कहा, आत्म साक्षात्कार पुस्तक में मेरे अचेत होने तथा मृत्यु के लक्षणों के अकस्मात प्रकट होने की जिस घटना की चर्चा है उसकी मुझे पूरे समय तक
जागरूकता रही। मैं शारीरिक हृदय की धड़कन के बंद होने का अनुभव कर रहा था तथा यह भी अनुभव कर रहा था कि हृदय के अंदर बिना किसी बाधा के कार्य कर रहा है। यह स्थिति लगभग 15 मिनट तक रही। हमने पूछा कि क्या यह सत्य है कि कुछ शिष्यों को यह विशेष सुविधा प्राप्त हो चुकी है कि उन्होंने श्री भगवान के वक्ष स्थल पर हाथ रखकर हृदय केंद्र के दाहिनी ओर होने का अनुभव किया है। श्री भगवान ने कहा, हाँ। श्री विश्वनाथ अय्यर, नारायण रेड्डी तथा अन्य व्यक्तियों का कहना है कि उन्होंने श्री भगवान के वक्ष स्थल पर हाथ रखकर हृदय केंद्र के दाहिनी ओर होने की अनुभूति की है। एक भक्त ने ठीक ही कहा कि यदि हाथों से हृदय केंद्र की अनुभूति करना तथा स्थान निर्धारित करना संभव है तो सूक्ष्म वैज्ञानिक यंत्र निश्चित रूप से यह कर सकते हैं। भक्त, हृदय को दाईं ओर वाम भाग में अथवा मध्य भाग में माना गया है। जब विचारों में इतनी भिन्नता है तब हम हृदय पर ध्यान कैसे कर सकते हैं? महर्षि, तुम हो और यह एक वास्तविकता है। ध्यान तुम्हारे द्वारा, तुम्हारा तथा तुम में होता है। तुम जहाँ भी हो यह होता रहेगा। यह तुमसे बाहर नहीं हो सकता। इस प्रकार तुम ध्यान के केंद्र हो और यही हृदय है। तथापि देह के संदर्भ में हृदय का स्थान निर्धारित किया जाता है। तुम जानते हो कि तुम हो, तुम कहाँ पर हो, तुम देह में हो, इससे बाहर नहीं, तथापि समग्र देह नहीं हो। यद्यपि तुम सारे देह में व्याप्त हो तथापि तुम एक केंद्र स्वीकार करते हो जहाँ से तुम्हारे समस्त विचारों का आरंभ होता है तथा जहाँ वे शांत होते हैं। अंगों के विच्छेद के पश्चात भी तुम्हारा अस्तित्व रहता है। यद्यपि इंद्रिय बोध शक्ति दोषपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार एक केंद्र स्वीकार करना ही होगा। इसे ही हृदय कहते हैं। हृदय न केवल केंद्र है अपि आत्मा ही है। हृदय आत्मा का ही दूसरा नाम है। हृदय की स्थूल अथवा भौतिक वस्तुओं से तादात्म्यता कर लेने से ही संशय उत्पन्न होते हैं। शास्त्रों ने निसंदेह इसे 101 नाड़ियों आदि का स्रोत कहा है। योग वासिष्ठ में चुड़ाला का कथन है कि कुंडलिनी में 101 नाड़ियां हैं। इस प्रकार एक को दूसरे के समान माना गया है। हृदय न संकल्पना है न ध्यान की वस्तु, किंतु यह ध्यान का स्थान है। केवल आत्मा ही रहता है। तुम देह को तथा जगत को हृदय में देखते हो। इससे पृथक कुछ भी नहीं है। इस प्रकार समस्त प्रयासों का केवल यही स्थान निर्धारित है। 18 अप्रैल 1937, बातचीत संख्या नंबर 404। एक सामयिक दर्शक ने जिज्ञासा की, निष्ठा क्या है? दृष्टि को ध्रुव मध्य में किस प्रकार स्थिर करें? महर्षि, इन वस्तुओं को हम कैसे देखते हैं? प्रकाश है जिससे यह देखी जाती है। तुम्हारे प्रश्न का आशय यह पूछना है, उस प्रकाश को कैसे देखते हैं? भक्त, ध्रुव मध्य के बीच के बिंदु का क्या महत्व है? महर्षि, इस प्रकार कहने का तात्पर्य है, अपने नेत्रों से मत देखो। भक्त, प्राणायाम किस लिए है? महर्षि, केवल मन को वश में करने के लिए। कुछ अक्षणों के पश्चात श्री भगवान ने कहा, मन प्रकाश एवं पदार्थ दोनों प्रकार से कार्य करता है। यदि उसे पदार्थों से वंचित कर दिया जाए तो केवल प्रकाश ही रहेगा। भक्त, किंतु हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसा प्रकाश है। महर्षि, ऐसे प्रकाश के अभाव में दृष्टि अथवा
संज्ञान असंभव है। सुषुप्ति में तुम किसी वस्तु की अनुभूति कैसे करते हो? हमारी अनुभूति का संबंध वर्तमान अवस्था से है, क्योंकि यहाँ प्रकाश है। दृष्टि के लिए प्रकाश अनिवार्य आवश्यक गुण है। हमारे दिन दैनिक जीवन में यह स्पष्ट है। समस्त प्रकाशों में सूर्य प्रकाश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए करोड़ों सूर्यों के ऐश्वर्य का वर्णन किया जाता है। भक्त, यदि हम आँख के पलकों को उंगलियों से दबाएं तो प्रकाश की अनुभूति होती है। एक अन्य जिज्ञासु ने प्रश्न किया, ऐसे प्रकाश को देखने से क्या लाभ? महर्षि, यह इसलिए किया जाता है कि हम कहीं लक्ष्य को न भूल जाएं। इस पद्धति से व्यक्ति को यह सहायता मिलती है कि ध्यान अन्य कार्यों की ओर नहीं जाता। पदार्थ देखते हैं अथवा प्रकाश प्रकट होता है, क्योंकि वहां दृष्टा ऐसा करने के लिए है। दृश्य देखें अथवा न देखें, इसे दृष्टा पर कैसे प्रभाव पड़ता है? यदि प्रकाश अर्थात प्रज्ञाता अथवा चैतन्य का दर्शन हो जाए तो देखने के लिए कोई पदार्थ नहीं रहेगा, केवल शुद्ध प्रकाश अर्थात चैतन्य ही अवशिष्ट रहेगा। भक्त, तब फिर प्राणायाम क्यों आवश्यक है? महर्षि, श्वास का संयम तथा नियंत्रण केवल मन को वश में करने के लिए है, जिससे मन इधर उधर न भागे। भक्त, क्या यह केवल मन को वश में करने के लिए है? महर्षि, यही पर्याप्त नहीं है कि प्रकाश का दर्शन हो जाए, यह भी आवश्यक है कि मन एक ही क्रिया में संलग्न रहे। जैसे हाथी की सूंड तथा लोहे की जंजीर के उदाहरण में बताया गया है। भक्त, किसी व्यक्ति को चिंतामणि को प्राप्त करने हेतु कितना समय लगेगा? महर्षि, चिंतामणि का उदाहरण योग वासिष्ठ में पाया जाता है। चिंतामणि आत्मा के वास्तविक स्वरूप का सूचक है। कथा इस प्रकार है। एक व्यक्ति चिंतामणि की प्राप्ति हेतु तपस्या कर रहा था। उसके हाथ में रहस्यपूर्ण ढंग से एक मणि आकर गिरी। उसने सोचा कि यह चिंतामणि नहीं हो सकती, क्योंकि उस मणि को प्राप्त करने के लिए उसका प्रयास अत्यंत अल्प एवं सामान्य था। उसने उसे त्याग कर तपस्या जारी रखी। बाद में एक साधु ने उसके समक्ष कई पहलू वाला कटाई किया हुआ दे दीप्यमान रतन प्रस्तुत किया। वह मनुष्य उसके रूप को देखकर तो आकर्षित हुआ, किंतु उसे लगा कि उसकी मूल कल्पना के अनुसार वह उसकी इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार आत्मा अंतर्निहित होने से उसे अन्यत्र खोजने की आवश्यकता ही नहीं। पुणे एक हाथी के साथ उसका महावत प्राय छेड़खानी किया करता था। एक बार महावत दुर्घटनाग्रस्त हो नीचे गिर पड़ा। हाथी उसे वहीं मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। तथापि बाद में महावत ने वन में एक बड़ा गड्ढा खोदकर हाथी को खत्म कर दिया। चौड़ाला ने इस कहानी से सीखी धवज की भूल दिखाई है। उसे अपने राज्य के शासन काल में भी वैराग्य था, तथा यदि वह प्रबल चेष्टा करके अपने वैराग्य से अहंकार को मार देता तो आत्म साक्षात्कार कर लेता। उसने ऐसा नहीं किया, परंतु वन में गया और तपस्या का कार्यक्रम बनाया, पर 18 वर्ष की तपस्या के बाद भी कुछ सुधार नहीं कर सका। वह अपनी निज की बनाई हुई सृष्टि का ही शिकार बन गया। चौड़ाला ने उसे अहंकार को त्याग कर आत्म साक्षात करने का परामर्श दिया, जिसका पालन कर वह मुक्त हुआ। चौड़ाला की कथा से यह स्पष्ट है कि अहंकार सहित वैराग्य वृथा है, जबकि अहंकार के अभाव में समस्त परिग्रह का भी कोई महत्व नहीं है। 19 अप्रैल 1937।
बातचीत संख्या नंबर 405। एक सम्माननीय धर्मनिष्ठ सज्जन ने श्री चक्र के संबंध में जिज्ञासा की, महर्षि इसका गहरा महत्व है, इसमें 43 कोण हैं जिनमें पवित्र अक्षर हैं, इसकी पूजा मन को एकाग्र करने की एक पद्धति है, मन का बाहर भटकने का स्वभाव है, इसे नियंत्रित कर अंतर्मुख करना आवश्यक है, इसका स्वभाव नाम तथा रूप में निवास करने का है, क्योंकि समस्त बाहरी पदार्थ नाम और रूप से युक्त हैं, ऐसे नाम और रूप मानसिक संकल्पनाओं के प्रतीकात्मक बनाए जाते हैं, जिससे कि मन को बाहरी पदार्थों से हटाकर उसे अपने अंदर ठिकाया जाए। प्रतिमाएं, मंत्र, यंत्र आदि मन की अंतर्मुखी अवस्था को पोषण प्रदान करने हेतु ही हैं, जिससे कि मन बाद में एकाग्र होने में समर्थ हो सके, जिसके पश्चात उत्कृष्ट अवस्था स्वतः ही उपलब्ध हो जाती है। 20 अप्रैल 1937। बातचीत संख्या नंबर 406। आश्रमवासी भक्त श्री कोहेन इन दिनों एक प्रमुख थियोसोफिस्ट द्वारा लिखित पुस्तक निर्वाण के चिंतन में लगे हुए हैं, जिसमें लेखक बलपूर्वक कहता है कि वह प्रत्येक रात्रि को निद्रा में जाने के पश्चात निर्वाण प्राप्त करता है। वह यह भी कहते हैं कि उन्हें उनके स्वयं के गुरु तथा थियोसोफिकल सोसाइटी के अन्य गुरुओं का दिव्य ज्योतियों के रूप में प्रकाश के सागर में दर्शन होता है, जो निर्वाण है। उन्होंने श्री भगवान से पूछा कि अद्वैत के सिद्धांत पर विचार करते हुए कि निर्वाण तथा शुद्ध आत्म चैतन्य का अनुभव एक ही है, यह कैसे संभव हो सकता है। महर्षि, निर्वाण पूर्णता है, पूर्णावस्था में न दृष्टा है न दृश्य, वहाँ न कुछ देखने को है न कुछ अनुभव करने को है और न कुछ जानने को है। देखना तथा जानना मन के कार्य हैं। निर्वाण में मैं हूँ कि आनंद पूर्ण शुद्ध चेतना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भक्त, तब फिर एक प्रमुख थियोसोफिकल सोसाइटी के नेता ने, जो अपने आप में उच्च प्रकार की दिव्य शक्ति का दावा करते हैं, लेखक की निर्वाण के स्पष्ट तथा ठीक माने जाने वाले वर्णन की प्रशंसा कैसे की है तथा थियोसोफिकल सोसाइटी का सेवा के विचार के प्रति इतना अधिक आग्रह क्यों है। महर्षि, ठीक, थियोसोफी तथा दूसरे समान आंदोलनों का यही लाभ है कि वे मनुष्य को निस्वार्थ बनाते हैं तथा उसे परम सत्य के लिए उद्यत करते हैं। सेवा, प्रार्थना और जप की तरह तथा परमात्मा के नाम से किया गया व्यवसाय भी परम लक्ष्य आत्म साक्षात की प्राप्ति कराता है। भक्त, परंतु कितने समय के पश्चात और फिर जिस मनुष्य की पूर्ण ज्ञान की पात्रता है, वह सापेक्ष के ज्ञान में क्यों लगे। महर्षि, प्रत्येक वस्तु अपने नियत समय पर ही होती है। जो मनुष्य पूर्ण ज्ञान का पात्र है, वह किसी न किसी प्रकार उससे परिचित होकर उसका साधन करेगा ही। उसे यह अनुभूति होगी कि आत्म विद्या समस्त सद्गुणों में उच्चतम है तथा यात्रा का अंत भी है, तथा बाह्य तथा आंतरिक निर्विकल्प समाधियों के संबंध में अंतर जानने की जिज्ञासा किए जाने पर, जिसका संदर्भ 391 के उपरोक्त विवरण में है, महर्षि ने कहा, बाह्य समाधि जगत का साक्षी होते हुए भी उस पर अंदर से प्रभावित हुए बिना सत्य पर टिकना है। ऐसा सागर जो तरंगहीन होने के कारण शांत है, आंतरिक समाधि में देह चेतना का लुप्त होना सन्निहित है। भक्त, क्या सहज समाधि की उपलब्धि हेतु पहले
दे चेतना का लोप होना आवश्यक है। महर्षि, दे चेतना क्या है इसका विश्लेषण करो। इसके लिए देह तथा उस तक सीमित चेतना का होना आवश्यक है जो एक साथ मिलकर देह चेतना बनाते हैं। इनका अन्य चेतना में होना आवश्यक है जो पूर्ण है तथा यथार्थ है। इस पर टिको, यही समाधि है। जब देह चेतना नहीं होती है तब यह रहती है क्योंकि यह उससे परे है। जब देह चेतना होती है तब भी इसका अस्तित्व रहता है। इस प्रकार इसकी सत्ता सदैव ही है। देह चेतना समाप्त हो गई हो अथवा देह चेतना बनाए रखी हो इसका क्या महत्व है। जब देह चेतना लुप्त हो जाती है तब समाधि आंतरिक है। जब वह रहती है तब तक यह बाह्य समाधि है। बस इतना ही है। मनुष्य को 6 समाधियों में से किसी एक में अवश्य ही रहना चाहिए जिससे कि उसके लिए सहज समाधि सुलभ हो सके। भक्त, मन अक्षण भर के लिए भी उस अवस्था में अस्त नहीं होता। महर्षि, एक प्रबल पूर्ण विश्वास की आवश्यकता है कि मैं आत्मा हूँ और मन तथा बाहरी दृश्य से परे हूँ। भक्त, तथापि मन को अस्त करने के प्रयास में वह रज्जु प्रमाणित होता है। महर्षि, यदि मन सक्रिय है तो भी उसका क्या महत्व है। ऐसा केवल आत्मा के अधिष्ठान पर ही होता है। मानसिक कार्य कलापों के इसमें भी आत्मा पर टिको। भक्त, मैं अंदर पर्याप्त गहराई में नहीं जा सकता। महर्षि, ऐसा कहना गलत है। अभी तुम आत्मा में नहीं हो तो कहाँ हो, तुम्हारा जाना कहाँ है। केवल आवश्यकता इस दृढ़ विश्वास की है कि तुम आत्मा हो। वस्तुतः यूं कहें कि अन्य क्रियाएं तुम्हारे ऊपर आवरण डाल देती हैं। भक्त, हाँ ऐसा ही है। महर्षि, इसका अर्थ है कि विश्वास दुर्बल है। भक्त, मैं समझता हूँ कि मैं केवल कृत्रिम है। वास्तविक मैं को साक्षात करने के मेरे प्रयास विफल हो जाते हैं क्योंकि असली मैं की अनुभूति के लिए बनावटी मैं को सक्रिय किया जाता है। महर्षि, विवेक चूड़ामणि में इसे स्पष्ट किया गया है कि विज्ञान को उसका कृत्रिम मैं उपहार मात्र है जिसके माध्यम से सत्य सिद्धांत मैं के महत्व वाच्य को देखना चाहिए। बातचीत संख्या नंबर 407। भक्त, संत थेरेसा तथा अन्य व्यक्तियों ने प्रतिमा अथवा मडोना को सजीव देखा है। यह दर्शन बाह्य था। अन्य व्यक्ति अपने इष्ट के आकार को मानसिक दृष्टि में चलायमान देखते हैं। यह आंतरिक है। क्या इन दोनों परिस्थितियों में श्रेणी का अंतर है। महर्षि, दोनों इस बात के सूचक हैं कि साधक ने ध्यान को प्रबल रूप से विकसित किया है। दोनों ही उत्तम तथा प्रगतिशील हैं। दोनों में से किसी श्रेणी का अंतर नहीं है। एक में दिव्यता की संकल्पना है एवं मानसिक प्रतिमाओं की रचना कर उनकी अनुभूति करता है। दूसरा प्रतिमा में दिव्यता की संकल्पना करता है और प्रतिमा में उसकी अनुभूति करता है। दोनों उदाहरणों में भावना आंतरिक ही है। 21 अप्रैल 1937। बातचीत संख्या नंबर 408। मानव देह के दाहिनी ओर हृदय केंद्र का स्थान निर्धारण करने के संदर्भ में श्री भगवान ने कहा, मैं सदैव ही कहता रहता हूँ कि हृदय केंद्र दाहिनी ओर है। यद्यपि कुछ विद्वान मनुष्य इसका निषेध इस आधार पर करते थे कि शरीर विज्ञान ने उनको अन्यथा सिखाया है, मैं अनुभव से कहता हूँ। मुझे ऐसा अनुभव समाधि में अपने बाल्य काल में ही हो गया था। फिर उस घटना की अवधि में जो आत्म साक्षात्कार पुस्तक में वर्णित है, मुझे इसका अत्यंत स्पष्ट दर्शन तथा अनुभव हुआ।
अकस्मात एक ओर से प्रकाश का आगमन हुआ जो जगत के दृश्य को लोप करने लगा। अंततो गत्वा यह प्रकाश सर्वत्र फैल गया और समस्त जगत का दृश्य पूर्णतया लोप हो गया। मैंने अनुभव किया कि बाईं ओर स्थित पेशीय अंग ने कार्य करना बंद कर दिया। मैं जान रहा था कि शरीर एक सबके समान था। रक्त का प्रवाह बंद हो गया था एवं शरीर नीला तथा गतिहीन हो गया था। वासुदेव शास्त्री ने देह का आलिंगन किया, मेरी मृत्यु पर विलाप किया, किंतु मैं बोलने में असमर्थ था। मुझे इस सारे समय इस बात की अनुभूति थी कि दाहिनी ओर हृदय केंद्र यथावत ठीक कार्य कर रहा था। यह अवस्था 15 अथवा 20 मिनट तक रही। तब सहसा हवा में फूटे हुए रॉकेट के समान कोई वस्तु दाहिनी ओर से बाहीं ओर द्रुत गति से गई। रक्त प्रवाह फिर से आरंभ हो गया तथा सामान्य अवस्था में पुनः स्थापित हो गया। तब मैंने वासुदेव शास्त्री से साथ चलने को कहा तथा हम अपने निवास स्थान पर आ गए। उपनिषदों के अनुसार हृदय में 101 नाड़ियां समाप्त होती हैं और उनसे 72,000 उत्पन्न होकर शरीर का आवरण करती हैं। इस प्रकार हृदय देह का केंद्र है। देह के अभाव में भी इसकी अनुभूति की जा सकती है। इसको केंद्र कहा जाता है। क्योंकि हम ये मानने के अभ्यस्त हो गए हैं कि हम देह में रहते हैं, वास्तवतः देह तथा अन्य सब कुछ उस केंद्र में ही है। संसमरण बातचीत संख्या नंबर 409। एक मध्यम आयु के व्यक्ति ने श्री भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने उसका कुशल अक्षेम पूछा। कुछ अक्षणों के पश्चात श्री भगवान ने एक घटना का स्मरण करते हुए बताया कि केवल यही वह व्यक्ति है जिसको श्री भगवान ने चांटा मारा था। यह घटना 30 वर्ष पहले की है। श्री भगवान मुलियप्पल तीर्थ में निवास कर रहे थे। समीप में ही जड़ स्वामी निवास करते थे। ममाराथु गोहाई, यह आदमी जिसकी उसमें आयु 8 वर्ष की थी, श्री भगवान समेत वह सबसे नटखटपन किया करता था। एक दिन वह महर्षि के समीप आया तथा कहा कि जड़ स्वामी बाल्टी मंगा रहे हैं। अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना ही वह बाल्टी ले गया। पलानी स्वामी सेवक वहां नहीं थे, अतः श्री भगवान लड़के के पीछे पीछे जड़ स्वामी के स्थान तक गए। भगवान के वहां पहुंचने से पूर्व ही वह जड़ स्वामी से कह चुका था कि ब्राह्मण स्वामी ने उनको बाल्टी भेजी है। जड़ स्वामी आश्चर्य कर रहे थे क्यों कुछ अक्षरों में महर्षि वहां पहुंच गए तथा जो कुछ हुआ वह मालूम हुआ। उन्होंने लड़के को थप्पड़ मारने को हाथ उठाया किंतु मन चाटा मारने को सहमत नहीं हुआ। किंतु महर्षि ने अपने आप में तर्क करके निश्चय किया कि शरारती लड़के को चाटा मारना चाहिए और इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अव्वई का एक तमिल पद्य है जिसमें प्राण उदर को संबोधित करता है। इसका आशय है, हे उदर, तुम्हारे साथ निर्वाह करना कैसा कठिन है। भोजन के अभाव में तुम भूखे नहीं रह सकते, न तुम पर्याप्त भोजन उपलब्ध होने पर उसे ग्रहण कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हो। तुम केवल वही ग्रहण करोगे जिसकी तुम्हें इच्छा होगी तथा जब तुम्हारी इच्छा होगी। इस प्रकार तुम मुझे कष्टदायक हो, मुझे कभी आराम नहीं करने देते। श्री भगवान ने इसे इस प्रकार परिवर्तित किया। उदर प्राण को संबोधित कर रहा है, हे प्राण, तुम मुझे कितने कष्टदायक हो, तुम मुझे कभी भी विश्राम नहीं करने देते हो, किंतु निरंतर ही रह रहकर मुझे भोजन से लादते रहते हो। तुम्हारे साथ निभाना कितना कठिन है। ऐसा कहकर श्री भगवान हंसे। श्री भगवान प्राय कहा
कहते हैं कि उन्हें उनकी अनुकूलता की अपेक्षा से अधिक भोजन कराया जाता है। 21 मई 1937। बातचीत संख्या नंबर 411। ब्राह्मण के विवाह संस्कारों की व्याख्या करते हुए श्री भगवान ने कहा कि काशी यात्रा वर को वैराग्य पुरुष के रूप में प्रस्तुत करती है, इसलिए यह उचित ही है कि उसे गृहस्थ जीवन यापन हेतु एक कन्या प्रदान की जाए। इसका आशय है कि केवल वैराग्य ही श्रेष्ठ गृहस्थी हो सकता है। बातचीत संख्या नंबर 412। एक समय शीतकाल में श्री भगवान शीत से रक्षा हेतु अपने हाथों को अपने वक्ष पर जोड़कर पर्वत पर एक गुफा में बैठे थे। कोई आंदर निवासी दर्शक आया था। उसने एक नारियल तोड़कर उसका शीतल रस श्री भगवान के सिर पर अभिषेक की तरह उंडेल दिया। श्री भगवान चकित रह गए। बातचीत संख्या नंबर 413। एक दर्शक ने जिज्ञासा की नाम जप करते समय और उसे एक घंटे अथवा अधिक समय तक करने के पश्चात मुझे निद्रा तुल्य अवस्था हो जाती है। जागृत होने पर मुझे ध्यान आता है कि मेरा जब बीच में रुक गया था, अतः मैं पुनः आरंभ करता हूँ। महर्षि, निद्रा तुल्य यह ठीक है, यही सहज अवस्था है। क्योंकि अभी तुम अहंकार से संबद्ध हो, अतः तुम सहज अवस्था को कोई वस्तु मानते हो जो तुम्हारे कार्य में बाधा डालती है। तुम इस अनुभव की आवृत्ति करते रहो जब तक कि तुम्हें यह अनुभूति न हो जाए कि यही तुम्हारी सहज अवस्था है। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि जप आदि बाहरी हैं, तथापि यह स्वतः ही होता रहेगा। तुम्हारा वर्तमान संशय मिथ्या तादात्म्य के कारण है। जप का अर्थ है अन्य समस्त संकल्पों को हटाकर केवल एक विचार में टिके रहना। जप का यही उद्देश्य है। इससे ध्यान शिथिर होता है जिसका अंत आत्म साक्षात्कार में है। बातचीत संख्या नंबर 414। एक भक्त श्री जीवी सुब्बा रमैया ने कुछ छोटी कविताएं बनाई हैं जो रोचक हैं। उनमें से कुछ एक बालक के संबंध में है। श्री भगवान ने बताया कि ईश्वर बालक का रूप धारण कर लेता है तथा बालक ईश्वर का रूप। इसका अर्थ है कि बालक में अभी संस्कार गुप्त हैं और इस प्रकार उसकी निर्दोषिता पूर्ण है। संस्कारों का निवारण हो जाने पर वयस्क मनुष्य भी एक बार फिर से बालक बन जाता है और इस प्रकार ईश्वर ही रहता है। लेखक ने कहा, बालक घर का वातावरण निर्मित करता है। श्री भगवान, हाँ, बालक सदैव घर में ही हैं, हम भी वही हैं, किंतु हम स्वप्न देख रहे हैं और अनुमान कर रहे हैं कि हम घर से बाहर हैं। श्री भगवान ने पुनः कहा, मैंने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में युवक युवका अनुवादक बालक बाल किया है। यह अत्यधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। पुनर्जन्म लेना अर्थात पुनः बालक बनना है। ज्ञान प्राप्त करने से पहले जीव का पुनर्जन्म आवश्यक है, अर्थात सहज अवस्था पुनः प्राप्त करना। बातचीत संख्या नंबर 415। तमिल शब्द कोश की भूमिका से श्री भगवान ने तमिल भाषा की महानता के संबंध में कुछ चंद छंद पढ़े तथा संदर्भों की अत्यंत रोचक ढंग से व्याख्या की है। जैन मत की अपेक्षा शैव मत को श्रेष्ठ ठहराने के लिए तीन प्रमाणों में प्रथम है त्रिज्ञान समंदर का, पंड्या राजा के रोग निवारणार्थ उसके राजदरबार में आना, महारानी राजा की अल्प आयु अर्थात 12 वर्ष का होने से चिंतित थी। त्रिज्ञाना समंदर ने एक पद्य रचना कर महारानी के सारे संशय निर्मूल कर दिए, जिसमें कहा गया कि सुकुमार होते हुए भी वह असंख्य जैनों के सबल समूह की अपेक्षा अधिक समर्थ है। पद का उच्चारण करते हुए श्री भगवान का गला भर आया और वे आगे न बोल सके।
दूसरी परीक्षा थी तुवर के पत्तों का अग्नि में ने जलना तथा तीसरी परीक्षा थी तुवर के पत्तों का सरिता त्रुवेदकम के प्रवाह की विपरीत दिशा में चलना। श्री भगवान ने वह कथा भी सुनाई जिसमें एक ही समय में ईश्वर एक वृत के रूप में भिक्षा मांगता है, युवक के रूप में भोजन करता है तथा बालक के रूप में भक्त महिला की प्राण रक्षा करता है। उन्होंने ज्ञानी की अवस्थाओं का पुनः निर्देश करते हुए बताया कि वे बाल उन्मत्त एवं पिशाचवत रह सकते हैं। वहाँ अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा बाल अवस्था को प्राथमिकता दी गई है। बातचीत संख्या नंबर 416। श्री भगवान ने बताया कि कम नारायण में 12,000 श्लोक हैं जबकि वाल्मीकि में 24,000 हैं। कंब की नारायण केवल विद्वानों द्वारा ही समझी जा सकती है, सबके द्वारा नहीं। तुलसीदास ने एक तमिल संत द्वारा कम नारायण का हिंदी में श्रवण करने के पश्चात अपनी प्रसिद्ध रामायण की रचना की। बातचीत संख्या 417। द परफेक्ट मास्टर में मेहर बाबा पर लिखी गई एक पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1937 में हुआ था। उसमें एक घटना का वर्णन है कि समुद्री जहाज के अधिकारी ने अनिच्छुक आप्रवासन अधिकारी इमिग्रेशन ऑफिसर को बाबा तथा उनकी मंडली को न्यूयॉर्क यूएसए में उतर जाने का निर्देश दिया। जब मंडली का एक सदस्य उन्हें धन्यवाद देने गया तो उनका कहीं पता नहीं लगा। घटना का उल्लेख इस आशय से किया गया कि बाबा के पक्ष में हुए चमत्कार का प्रभाव हो। श्री भगवान को वह अंशकर पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, इससे क्या भक्त, क्या यह चमत्कार है? महर्षि हो सकता है, किंतु क्या आप्रवासन अधिकारी उस व्यक्ति को अपना उच्च अधिकारी नहीं मानता था जिसकी आज्ञा पालन अनिवार्य थी? यह विषय यहीं समाप्त हो जाता है। यदि बाबा की मंडली का एक व्यक्ति उन्हें खोजने में असमर्थ रहा तो इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। बातचीत संख्या नंबर 418। इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या श्री भगवान ने कंब नारायण रामायण का अध्ययन किया है, श्री भगवान ने कहा, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। मेरा संपूर्ण अध्ययन मेरे 14वें वर्ष से पूर्व तक ही सीमित है। तब से मुझे पढ़ने अथवा जानने की रुचि नहीं रही। लोगों को आश्चर्य होता है कि मैं भगवत गीता आदि पर कैसे बोलता हूँ। यह श्रुत मात्र के कारण है। मैंने गीता नहीं पढ़ी है, ने उसके भावार्थ हेतु टीकाओं को पढ़ने का कष्ट किया है। जब मैं एक श्लोक सुनता हूँ तो मैं विचार करता हूँ कि उसका अर्थ स्पष्ट है तथा मैं उसे कह देता हूँ। यही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मेरे अन्य उद्धरणों के संबंध में भी ऐसा ही है, वे सहज ही आते हैं। मैं अनुभव करता हूँ कि सत्य वाणी तथा बुद्धि से परे है। फिर मैं मन को पढ़ने समझने तथा श्लोकों आदि की आवृत्ति करने में क्यों लगाऊं? उनका लक्ष्य सत्य को जानना है। लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात अध्ययन में संलग्न रहने से कोई लाभ नहीं। किसी एक व्यक्ति ने टिप्पणी की, यदि श्री भगवान के पठन में रुचि होती तो आज एक संत नहीं होता। महर्षि, संभवतया मेरा समस्त अध्ययन पूर्व जन्मों में समाप्त हो गया था और मैं उससे अति तृप्त हो गया था, इस कारण अब उस दिशा में कोई संस्कार अवशेष नहीं है। बातचीत संख्या नंबर 419। महापूजा 3 जून 1937 से एक सप्ताह पहले अनेक दर्शकों का आगमन हुआ जिनमें श्री भगवान के संबंधी भी हैं। उनमें एक वृद्ध महिला
सुब्बियर की विधवा है, जिनके मकान में गृह त्याग केस में अगस्त 1896 में श्री भगवान निवास करते थे। उसे देखकर श्री भगवान की पूर्व स्मृतियां फिर से जागृत हो गई। उन्हें स्मरण हुआ कि किस प्रकार एक पवर के पर्व के अवसर पर उसने उन्हें मोदक बनाने में सहायता करने को कहा था, किंतु वे हिचकिचाए तथा अंततः इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें वस्त्र उतार कर केवल कोपिल धारण करना पड़ता, जिसमें उन्हें शर्मिलापन अनुभव हुआ। उसके चाचा तथा इस महिला ने उनको फटकारा था। चाची ने नम्रता पूर्वक तथा मृदु स्वर में कहा, यही बात है, कोई आश्चर्य नहीं कि जिसके भाग्य में इतनी महान अवस्था लिखी हुई थी वह उन दिनों में ऐसा साधारण कार्य नहीं कर सकता था। तब श्री भगवान ने टिप्पणी की, यदि एक बार मैंने कौपीन धारण करने से इनकार किया तो अब मुझे उसके दंड स्वरूप उसे निरंतर धारण करना पड़ रहा है। महिला को अपने मन में यह भी स्मरण होया कि किस प्रकार श्री रमन को लगातार कई दिन तक सिर का दर्द कष्ट देता रहा था। श्री भगवान ने कहा, हाँ हाँ, यह मेरे मदुरा छोड़ने से पहले के मास की बात है। वह सिर का दर्द नहीं था अपितु एक अकथनीय व्यथा थी जिसे मैंने उसमें दबा दिया था। यह केवल बाहरी लक्षण थे जिनको मैंने कहा था कि सिर दर्द के कारण है। मुझे स्मरण है कि तुम मेरे सिर दर्द के कारण कितनी चिंतित थी। तुम प्रतिदिन मेरे मस्तक पर कोई मरहम मलती थी। मेरी व्यथा जब तक मैं मदुरा में छोड़कर यहाँ न आ गया तब तक बनी रही। 4 जून 1937। बातचीत संख्या नंबर 420। कुडलोर के एक वकील ने निम्नलिखित उद्धृत किए, न वहाँ सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न तारक, न विद्युत, वहाँ अग्नि किस प्रकार प्रकाशित हो सकती है। यह समस्त प्रकाश केवल ग्रह उसके प्रकाश से ही चमकते हैं, उसके प्रकाश से ये समस्त प्रकाशित होते हैं। उसने पूछा, यहाँ उसके प्रकाश से क्या आशय है, क्या अन्य सब उसके कारण अथवा उसके प्रकाश में प्रकाशित हैं। श्री भगवान ने कहा, केवल वही है, वह तथा उसका प्रकाश एक ही है। अन्य वस्तुओं को अनुभव करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि दृष्टा तथा दृश्य केवल वही है। सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित होते हैं, किस प्रकार, क्या वे आकर तुमसे कहते हैं कि वे प्रकाशित होते हैं, अथवा उनसे कोई पृथक व्यक्ति कहता है कि वे प्रकाशित होते हैं। भक्त, वास्तव में मैं कहता हूँ कि वे चमकते हैं महर्षि, इसलिए वे तुम्हारे कारण प्रकाशित होते हैं। फिर यह जानने के लिए कि वे प्रकाशित होते हैं चेतना भी आवश्यक है, वह चेतना तुम्हारी आत्मा अथवा तुम हो। इस प्रकार तुम अथवा तुम्हारी चेतना एवं वह अथवा उसका प्रकाश एक ही है, जिससे अन्य समस्त प्रकाशित होते हैं। भक्त, क्या वह प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान है। महर्षि, नहीं, सूर्य का प्रकाश जड़ है, तुम्हें इसकी जानकारी है। यह प्रकाश दृश्य पदार्थों को दृष्टि गोचर कराता है तथा अंधकार को दूर करता है, जबकि चेतना ऐसा प्रकाश है जो न केवल प्रकाश को अपितु अंधकार को भी दृष्टि गोचर कराता है। सूर्य के प्रकाश के समक्ष अंधकार नहीं ठहर सकता, किंतु चेतना के प्रकाश में यह ठहर सकता है। इसी प्रकार यह चेतना शुद्ध ज्ञान है, जिसमें ज्ञान तथा अज्ञान दोनों प्रकाशित होते हैं। भक्त, यदि ईश्वर ही सब कुछ है तो व्यक्ति को कर्म का फल क्यों भोगना पड़ता है। क्या कर्म उसके द्वारा प्रेरित नहीं है जिसके लिए जीव को कष्ट भोगना पड़ता है। महर्षि, वही जो स्वयं को कर्ता मानता है कष्ट भी भोगता है। भक्त, किंतु कर्मों का प्रेरक तो ईश्वर है तथा जीव केवल उसका यंत्र है। महर्षि, यह तर्क केवल तभी ठीक होगा जब वह कष्ट भोगता है, न कि
तब जबकि वह सुख अनुभव करता है, यदि यह विश्वास सदैव ही बना रहे तब कभी दुख भी नहीं होगा। भक्त कष्टों का अंत कब होगा? महर्षि, जब तक व्यक्तित्व नष्ट न हो जाए इससे पहले नहीं होगा। यदि अच्छे एवं बुरे कर्म दोनों ही उसके हैं तो तुमको यह क्यों मानना चाहिए कि सुख तथा दुख केवल तुम्हारे ही हैं? जो अच्छा या बुरा करते हैं वही सुख का आनंद लेता है अथवा दुख का कष्ट भोगता है, उसे वही छोड़ दो और अपने आप पर कष्ट का बोझा मत लो। बातचीत संख्या 421। एक आश्रमवासी भक्त कुंजो स्वामी ने आश्रम में 1930 में हुई चोरी की बात श्री महर्षि का कथन वर्णन किया। कुछ शिष्यों ने जिज्ञासा की थी कि चोरों को साधुओं तक क्यों सताने दिया जाए तथा साधु स्वयं की तथा अपने आश्रितों की चोरी से रक्षा क्यों नहीं करें। श्री भगवान ने कहा, विश्वामित्र जैसे ऋषि हुए हैं, यदि वे चाहते तो दूसरा जगत बना सकते थे। वे रावण के जीवन काल में हुए, जिसने अन्य लोगों के साथ सीता तथा राम को भी कष्ट दिया। क्या विश्वामित्र अपनी चमत्कारिक शक्तियों से रावण को नष्ट नहीं कर सकते थे? समर्थ होते वे भी वे शांत रहे क्यों? ऋषियों को घटनाएं मालूम रहती हैं, किंतु उनके मन को प्रभावित किए बिना वह होती रहती हैं। महाप्रलय भी उनको साधारण चीज लगेगी, वे किसी बात की भी चिंता नहीं करते। 7 जून 1937। बातचीत संख्या नंबर 422। गंटूर के एक दर्शन डॉक्टर वेंकट राव ने जिज्ञासा की, एक गुरु अपने शिष्य को नैतिक सिद्धांतों के विपरीत कार्य करने का आदेश देता है, गुरु रूप में स्वीकार कर लेने के कारण शिष्य गुरु को प्रसन्न करना चाहता है, किंतु उसकी नैतिकता उसे रोकती है। इन परिस्थितियों में उसे क्या करना चाहिए? कोई उत्तर नहीं। मैं अपने को स्पष्ट करूंगा। गुरु ने शिष्य को चोरी करने का निर्देश दिया, किंतु शिष्य ने ऐसा नहीं किया। तदुपरांत गुरु ने कहा, मैं परीक्षा कर रहा था कि तुम अपने आप को पूर्णतया समर्पण कर चुके हो अथवा अपने व्यक्तित्व को बनाए हुए हो। अब स्पष्ट है ये क्या है? क्या गुरु का शिष्य को आदेश देना ठीक है? अब भी कोई उत्तर नहीं। अन्य व्यक्ति ने कहा, ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विषय में मैं निर्णय करने से इनकार करता हूँ, तथापि मैं यह अनुभूति किए बिना नहीं रह सकता कि क्या ऐसे व्यक्ति गुरुओं के पद को सुशोभित करने योग्य हैं। वे बनावटी व्यक्ति प्रतीत होते हैं। यदि वे वास्तव में पूज्य हों तो वे शिष्यों को ऐसा निर्देश ही नहीं देंगे। महर्षि, किंतु वह व्यक्ति कहता है यह परीक्षा के लिए है। जिज्ञासु ने फिर कहा, क्या इसका पालन करना आवश्यक है? महर्षि, तुम्हारे मूल कथन के तुम्हारे प्रश्न का उत्तर निहित है। दोनों जिज्ञासु ने एक साथ पूछा, कार्य अनुचित है, क्या यह किया जा सकता है? महर्षि, जिज्ञासा उसी व्यक्ति से अथवा गुरु से ही करना ठीक होगा, उस परिस्थिति के लिए वही उत्तरदायी है। बातचीत संख्या नंबर 423। एक युवक ने जिज्ञासा की, मैं इच्छा शक्ति संवर्धित करने का प्रयास करता हूँ किंतु सफल नहीं होता, मैं इसे किस प्रकार करूँ? कोई उत्तर नहीं। भक्त, 3 वर्ष पूर्व मैं यहाँ आया था, तब श्री भगवान ने कहा था कि मन की शक्ति के लिए इच्छा शक्ति आवश्यक है। तब से मैं इसे संवर्धित करने की इच्छा कर रहा हूँ किंतु सफलता नहीं मिली। कोई उत्तर नहीं। भक्त, इन वर्षों में मुझे 4 अथवा 5 प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा, उन्होंने मुझे अत्यधिक परेशान कर दिया। मेरे प्रयासों में असफलता का सदैव ही भय बना रहता है। इसके फलस्वरूप मेरे
आत्म विश्वास के अभाव में मेरे प्रयासों में असफलता पहले से ही निश्चित रहती है। वास्तव में सफल होने के समान कोई सफलता नहीं है, और इसी प्रकार हमारे प्रयासों को असफलता के समान अन्य कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसी कारण मेरा प्रश्न है, कोई उत्तर नहीं। भक्त, क्या सफलता के लिए इच्छा शक्ति आवश्यक नहीं है? इससे सफलता निश्चित होगी तथा असफलता का निवारण भी होगा। कोई उत्तर नहीं। भक्त, मैं इच्छा शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करता हूँ, इन वर्षों के बाद भी मैं जहाँ कहा तहाँ हूँ, कोई प्रगति नहीं। कोई उत्तर नहीं। भक्त, इच्छा शक्ति प्राप्त करने के क्या साधन है? महर्षि, इच्छा शक्ति से तुम्हारा प्रयोजन निश्चित सफलता से है। इच्छा शक्ति का अर्थ है वह मानसिक बल जिसके फल स्वरूप मन समता पूर्वक सफलता अथवा विफलता का सामना करने में समर्थ बनता है। इसे निश्चित सफलता का पर्यायवाची मत समझो। किसी के प्रयासों को सदैव ही सफलता क्यों मिले? सफलता से दम का उदय होता है और इस प्रकार मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। इसके विपरीत असफलता लाभदायक है, जहाँ तक वे उसकी परिमितताओं को दिखाने में मनुष्य की आंखें खोल देती हैं और उसे अपने आप को समर्पण करने को तत्पर करती हैं। आत्म समर्पण शाश्वत सुख का पर्याय है, इसलिए मनुष्य को समस्त परिस्थितियों में मानसिक साम्य की प्राप्ति की चेष्टा करना चाहिए। यही इच्छा शक्ति है। फिर सफलता एवं विफलता प्रारब्ध के परिणाम है, न कि इच्छा शक्ति के। कोई मनुष्य केवल उत्तम तथा प्रशंसनीय कार्य करते हुए भी असफल हो सकता है। दूसरा व्यक्ति अन्यथा कार्य करके भी एक साथ सफल हो सकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि एक व्यक्ति में इच्छा शक्ति है तथा दूसरे में नहीं है। भक्त, क्या सत्य प्रकट किया ट्रुथ रिवील्ड पुस्तक में यह नहीं कहा गया है कि जगत मन की उपज है? महर्षि, हाँ। भक्त, क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि मन सशक्त होकर जगत को वश में कर लेता है? महर्षि, मन के अपने बाहरी कार्य कलापों से जगत का उदय होता है। इस प्रकार की क्रियाएं मन की शक्ति को नष्ट कर देती हैं। मन की शक्ति बाह्य क्रियाओं को निरोध कर अपने तक सीमित रहने में ही है। भक्त, एक मूड है जो 10 तक की गणना भी नहीं कर सकता। उसका मन निसंदेह एक विचारक के मन की भांति बाहर नहीं जाता। क्या वह मूड उस विचारक की अपेक्षा अधिक योग्य व्यक्ति है? महर्षि, यह कौन कहता है कि वह मूड है? तुम्हारा भटकता हुआ मन ऐसा कहता है। भक्त, क्या अपने आप को संकल्पों से वंचित करने से इच्छा शक्ति प्राप्त होती है? महर्षि, वस्तुतः एक ही विचार पर सीमित होने से ऐसा होता है। अंत में यह भी नहीं रहेगा, केवल शुद्ध चैतन्य शेष रहेगा। इसमें एकाग्रता सहायक होती है। भक्त, इस प्रकार इसकी प्राप्ति मन का मार्ग निर्देशन करने से तथा उसे एकाग्र करने से होती है। व्यक्ति से उसका कोई भी संबंध नहीं है। महर्षि, व्यक्ति तो ही बाहरी क्रियाओं का मूल कारण है। परमार्थ की प्राप्ति के लिए इसका समाप्त होना आवश्यक है। बातचीत संख्या नंबर 424। एक विद्वान व्यक्ति से वार्तालाप के मध्य जिसने पुरुष तथा प्रकृति के संबंध में जिज्ञासा की, श्री भगवान ने कहा, पुरुष तथा प्रकृति केवल एक आत्मा के ही दो खंड हैं। विद्यार्थी को उसका अनुमान द्वैत भाव में दृढ़ता से स्थित होने के कारण होता है। वही गीता यह भी कहती है कि पुरुषोत्तम पुरुष तथा प्रकृति से परे है। भक्त, प्राणाड़ी सुषुम्ना नाड़ी तथा हृदय क्या है?
महर्षि, परंतु सुषुम्ना प्रा में ही लीन हो जाती है। सुषुम्ना तो परालीना, प्राय हृदय वृक्ष की बाई ओर स्थित शारीरिक अंग माना जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजिकल रिव्यू के अनुसार शारीरिक अंग वाम भाग में तथा हृदय केंद्र दाहिनी भाग में है। बाइबल के अनुसार मूर्ख का हृदय वाम भाग में तथा बुद्धिमान का दाई ओर होता है। योग वशिष्ठ के मत से हृदय दो है, एक समवित और दूसरा रुधिरवाही की, ब्लड वेसल। भक्त अनाहत क्या है? महर्षि, अनाहत हृदय के पीछे स्थित चक्कर है। यह संवित नहीं है, यह ललिता सहस्र नाम में स्थित है। अनाहत चक्कर स्थायी, नमो नमः तथा अगला मंत्र हृत। अतः यह स्पष्ट है कि अनाहत तथा हृत एक ही नहीं है। बातचीत संख्या नंबर 425। इच्छा शक्ति अथवा अन्य वस्तु अभ्यास से प्राप्त होती है। भक्त क्या सफलता गुरु की अनुग्रह पर आश्रित नहीं है? महर्षि, हाँ अवश्य है। क्या तुम्हारा अभ्यास ही उस अनुग्रह के कारण नहीं है? फल अभ्यास का परिणाम है और इसका यंत्रवत पालन करो। कैवल्य में एक छंद है जिसका आशय है, ओ गुरु, आप सदैव ही अनेक पुनर्जन्मों में मेरे साथ रहकर मेरा रक्षक रहे तथा मेरा मार्ग निर्देश किया जब तक मैं मुक्त नहीं हो गया। जब अवसर आता है तब आत्मा बाहर गुरु के रूप में प्रकट होता है, अन्यथा वह सदैव अंदर है और आवश्यक कार्य कर रहा है। 12 जून 1937। बातचीत संख्या नंबर 426। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के श्रीदास, क्या भोजन से जो हम प्रय लेते हैं हमारी आध्यात्मिक उन्नति तथा अवनति का कोई संबंध है? अर्थात क्या इससे आध्यात्मिकता पर अच्छा अथवा बुरा प्रभाव पड़ता है? महर्षि, हाँ, सीमित मात्रा में लिया गया सात्विक भोजन आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है। भक्त, एक गृहस्थ के लिए जीवन में किस प्रकार का आचरण उसे आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहयोग करेगा? महर्षि, ध्यान अथवा भक्ति जो एक ही वस्तु है। भक्त, परमात्मा का नाम स्मरण करने का क्या अभिप्राय है? निम्नलिखित दोनों विचारों का समन्वय किस प्रकार हो? बाइबल का एक कथन है, व्यर्था में ईश्वर का नाम मत लो। हिंदू शास्त्रों का निर्देश है कि निरंतर भगवान नाम का स्मरण करो। महर्षि, व्यक्ति को ईश्वर के नाम का उपयोग बिना भावना के ऊपरी तथा कृत्रिम रूप से नहीं करना चाहिए। परमात्मा के नाम स्मरण में शरणागत हो, प्रभु को पुकारो तथा उसके प्रति पूर्णतया समर्पण करो। इस प्रकार के समर्पण के पश्चात प्रभु का नाम सदा ही उस मनुष्य के पास रहता है। भक्त, भगवान परमार्थ निष्ठ पुरुषों को जानने के लिए कौन सा मूलभूत मापदंड है? क्योंकि कुछ उन्मत्त मनुष्यों का सा आचरण करते हुए सुने जाते हैं। महर्षि, ज्ञानी का मन केवल ज्ञानी ही जान सकता है। दूसरे ज्ञानी को जानने के लिए स्वयं को भी ज्ञानी ही होना होगा। तथापि संत के वायुमंडल में मन की जो शांति प्रवेश करती है, केवल उसके माध्यम से ही साधक संत की महानता जान सकता है। उसके शब्द अथवा कार्य अथवा आभास द्वारा उसकी महानता का संकेत नहीं मिलता, क्योंकि वे सामान्यतया सामान्य लोगों की समझ से परे हैं। भक्त, क्या मनुष्य की कोई स्वतंत्र इच्छा है अथवा उसके जीवन में सब कुछ पूर्व निर्दिष्ट तथा पूर्व नियोजित है? महर्षि, स्वतंत्र इच्छा व्यक्तित्व के साथ संबंधित है। जब तक व्यक्तित्व है तब तक स्वतंत्र इच्छा है। समस्त शास्त्र इसी तथ्य पर आधारित हैं तथा वे स्वतंत्र संकल्प को सही दिशा में संचालित करने का परामर्श देते हैं। मालूम करो कि स्वतंत्र इच्छा अथवा प्रारब्ध किसके लिए महत्वपूर्ण है, उसी में स्थिर रहो, तब इन दोनों से पार हो जाओगे। इन
प्रश्नों पर चर्चा करने का केवल यही अभिप्राय है। यह संशय किसको उत्पन्न हो रहा है यह जान लो और शांत रहो। भक्त क्या बुद्धि तथा मनोभाव शारीरिक देह की भांति मनुष्य के जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हैं और क्या यह मृत्यु के साथ ही विलीन हो जाते हैं अथवा मृत्यु के बाद भी रहते हैं। महर्षि, मृत्यु के बाद क्या होता है यह विचार करने से पूर्व तनिक इस पर विचार करो, तुम्हारी सुषुप्ति में क्या होता है। सुषुप्ति में केवल दो जागृत अवस्थाओं के बीच में अवकाश का समय है, क्या उस अवकाश में वे बचे रहते हैं। भक्त, हाँ वे रहते हैं। महर्षि, मृत्यु के संबंध में भी ऐसा ही है, वे देह चेतना के परिचायक हैं और अधिक कुछ नहीं। यदि तुम देह हो तो वे तुमको सदैव ही पकड़े रहेंगे, यदि तुम देह नहीं हो तो वे तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। जो सुषुप्ति में था वही अब जागृत अवस्था में वार्ता कर रहा है। सुषुप्ति में तुम देह नहीं थे, अब क्या तुम देह हो इसे जान लो, तभी सारी समस्या हल हो जाती है। इसी प्रकार जिसका जन्म है उसका मृत्यु अनिवार्य है। जन्म किसका है, क्या तुम्हारा जन्म हुआ था। यदि तुम कहो कि तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम किसके जन्म की चर्चा कर रहे हो। जन्म देह का हुआ था और उसी की मृत्यु होगी। जन्म तथा मृत्यु शाश्वत आत्मा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, विचार करो और बताओ कि प्रश्न किसको उदय होते हैं, तब तुम जान लोगे। बातचीत संख्या नंबर 427। भगत, ऐसा कहा जाता है कि जगत प्रकाश तथा ध्वनि से युक्त है, क्या यह दोनों अंग स्थूल जगत के प्रकाश तथा ध्वनि के समान हैं? क्या वे शरीर के अंगों नेत्र तथा कान से देखे तथा सुने जा सकते हैं अथवा उनका अनुभव आत्म निष्ठा द्वारा ही किया जा सकता है? महर्षि, तांत्रिक शब्दावली में प्रकाश तथा ध्वनि नाद तथा बिंदु के अनुरूप हैं तथा वेदांत के अनुसार मन तथा प्राण के अनुरूप हैं। ये स्थूल सूक्ष्म तथा विकल्पातीत होते हैं। इंद्रियां स्थूल पक्ष को अनुभव कर सकती हैं, अन्य पक्ष इस प्रकार अनुभव गम्य नहीं है। सूक्ष्म का अनुमान संभव है तथा विकल्पातीत केवल विकल्पातीत है। भक्त, हिंदू धर्म जीव के पुनर्जन्म को निर्धारित करता है। एक देह की मृत्यु तथा देह के दूसरे जन्म के अवकाश के समय में जीव को क्या होता है। महर्षि, इस प्रश्न का समाधान सुषुप्ति की अवस्था पर विचार करने से होगा, तुमको सुषुप्ति में क्या होता है। भक्त, मैं नहीं जानता। महर्षि, तथापि तुम विद्वान रहते हो, इस प्रकार यह प्रकट होता है कि अस्तित्व ज्ञान तथा अज्ञान से परे है। यद्यपि तुम्हारे अब के विचार से उस समय केवल अज्ञान व्यापी था, तथापि तुमने सुषुप्ति में ऐसा नहीं कहा, तुम्हारा अस्तित्व उसमें भी बराबर था। केवल अज्ञान तुम्हारे अस्तित्व की वास्तविकता को निकाल नहीं देता। भक्त, क्या ध्यान के अभ्यास में आत्मगत अनुभव के भाव के कोई लक्षण हैं अथवा अन्यथा के, जिनसे साधक के आत्म साक्षात्कार के मार्ग में हुई प्रगति का संकेत हो। महर्षि, जिस मात्रा में अनावश्यक संकल्पों से मुक्ति मिलेगी तथा जिस मात्रा में एक ही संकल्प पर एकाग्रता होगी वही प्रगति के जानने के मापदंड हैं। भक्त, क्या आत्म साक्षात्कार हेतु संन्यास ग्रहण करना आवश्यक है। महर्षि, अपने व्यक्तित्व का त्याग ही संन्यास है, यह सिर मुड़ाना अथवा गेरुआ वस्त्र जैसा नहीं है। एक मनुष्य ग्रही हो सकता है, तथापि यदि वे स्वयं को ग्रही न माने वह सन्यासी ही है। इसके विपरीत एक व्यक्ति गेरुआ वस्त्र पहनकर इधर उधर घूमता है, तथापि यदि वह स्वयं को सन्यासी मानता है तो वह सन्यासी नहीं है। सन्यास का ध्यान करने से उसका अभिप्राय ही विफल हो जाता है। श्री भगवान ने टिप्पणी की,
मनुष्य जगत देखते हैं, देखने के लिए दृष्टा एवं दृश्य का होना आवश्यक है। दृष्टा से दृश्य असंबंध हैं। दृष्टा आत्मा होने से अंतरंग है, तथापि अपना ध्यान प्रत्यक्ष दृष्टा की ओर नहीं करते हैं, किंतु बाहरी पदार्थों का विश्लेषण करने के लिए इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। मन का जितना अधिक विस्तार होगा वह उतना ही दूरवर्ती होगा तथा आत्म साक्षात्कार का उतना ही कठिन एवं जटिल हो जाएगा। मनुष्य को प्रत्यक्ष रीति से दृष्टा को देखकर आत्म साक्षात्कार कर लेना चाहिए। भक्त, तब फिर इसका आशय यह हुआ कि दृश्य जगत का समन्वय कर उसके पीछे एकमात्र सत्य को मालूम करना। महर्षि, अब भी तुम दृश्य जगत पर क्यों विचार करते हो? देखो, दृष्टा कौन है? समन्वय का अभिप्राय मन को अन्य व्यवहारों में संलग्न करना होगा। यह साक्षात्कार का मार्ग नहीं है। भक्त, मैं अनात्मा का निरसन करना चाहता हूँ, जिसके कि आत्मा की अनुभूति हो सके। मैं इसे कैसे करूँ? अनात्मा के क्या लक्षण हैं? महर्षि, एक है जो कह रहा है कि अनात्मा का निरसन करना आवश्यक है, वह कौन है? भक्त, मेरा आशय इस मनुष्य से है। मैं जब कलकत्ता से मद्रास की यात्रा करता हूँ, मेरे लिए मद्रास की जानकारी आवश्यक है, जिससे कि मैं अन्य भेद्यता से किसी मध्यवर्ती स्टेशन पर न उतर जाऊं। मेरी यात्रा में निर्देश करने हेतु सूचना पट तथा समय सारणी होते ही, किंतु आत्मा की खोज में मेरा मार्गदर्शक क्या है? महर्षि, यात्रा के लिए यह सब ठीक है। तुम जानते हो तुम मद्रास से कितनी दूर हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम आत्मा से कितनी दूर हो, जिससे कि तुम उसे खोज सको? भक्त, मैं नहीं जानता। महर्षि, क्या तुम कभी भी आत्मा से अलग हो? क्या अलग होना संभव भी है? क्या यह सब तुमसे पृथक नहीं है तथा आत्मा अत्यंत अंतरंग नहीं है? आत्मा की प्राप्ति हेतु तुम्हें कहाँ जाना होगा? भक्त, अभी मैं आत्मा से दूर हूँ। उसे पुनः प्राप्त करने के लिए मुझे अपने कदम पीछे ले जाने चाहिए। महर्षि, कितनी दूर हो? यह कौन कह रहा है कि वह अलग है? क्या दो आत्माएं हो सकती हैं? भगत, ऐसा कहते हैं कि जीव आत्मा के विवृत रूपांतर हैं, जिस प्रकार के आभूषण स्वर्ण के हैं। महर्षि, जब मनुष्य आभूषण के वास्तविक तत्व स्वर्ण की उपेक्षा कर आभूषणों की बात करता है, तब उसे बताया जाता है कि वे स्वर्ण ही हैं, किंतु यहाँ मनुष्य चेतन है तथा स्वयं को उसका विवृत बता रहा है। क्या तुम आत्मा से अलग रहते हो कि तुम अपने आप को उसका विवृत कह रहे हो? भक्त, क्या स्वर्ण यह अनुमान नहीं कर सकता कि वह आभूषण बन गया है? महर्षि, जड़ होने से वह ऐसा नहीं कहता, किंतु जीव चेतन है तथा चेतन से पृथक रहकर कार्य नहीं कर सकता। आत्मा शुद्ध चैतन्य है, तथापि मनुष्य अपने आप की उस देह से तादात्म्यता कर लेता है जो स्वयं जड़ है और जो अपने आप यह नहीं कह सकता मैं देह हूँ। कोई दूसरा ही ऐसा कहता है, असीमित आत्मा ऐसा नहीं कहता। तब ऐसा कहने वाला कौन है? शुद्ध चैतन्य तथा जड़ देह के मध्य एक मिथ्यामय का उदय हो जाता है जो स्वयं को देह से सीमित मानने लगता है। इसकी खोज करोगे तो यह छाया की भांति नष्ट हो जाएगा। अहंकार अथवा मन अथवा व्यक्तित्व ही वह छाया अर्थात भ्रम है। समस्त शास्त्र इसी भ्रम के उदय पर आधारित हैं, जिनका निरसन करना ही उनका उद्देश्य है। वर्तमान अवस्था केवल भ्रम है, भ्रम निवारण ही लक्ष्य है और अधिक कुछ नहीं। भक्त, मन को संकल्पों का समूह कहा गया है। महर्षि, क्योंकि यह एकमात्र मूल में मैं भाव के कारण कार्य करता है, मानसं तुम किं मार्गनीत कृते नैव मानसं मार्ग अर्जवात्। इसका कोई वास्तविक पृथक अस्तित्व नहीं है। भक्त, क्या संकल्प मन की कपोल कल्पनाएं नहीं है? महर्षि, उस अवस्था में
मन में भाव अथवा अहंकार का पर्याय माना जाता है। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं। अगला वीडियो नंबर 34 34वां वीडियो हम शुरू करेंगे 15 दिसंबर 1937 बातचीत संख्या नंबर 428। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, नमस्ते।